आईएस वन और आईएस एट, अब सेपरेटली सवाल नहीं पूछा जाता, आईएस वन में भी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं और आईएस एट में भी जहां अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज, जहां करेक्शन ऑफ एरर, जहां अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंज हो, वहां भी वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछ लेता है। तो ये दोनों टॉपिक से वो जनरली एक ही सवाल पूछ रहा होता है, तो इस टॉपिक को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इन दो टॉपिक्स को आप छोड़कर जाएं। इवन तो कि आपको ऑटम 23 में नजर आ रहा है कि आईएस 1 से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन ऑटम 23 में जो आईएस 8 का सवाल था उसमें चेंजेस इन इक्विटी ही प्रिपेयर करनी थी, तो आपने आईएस 1 आईएस 8 को लाजमी कवर करना है। अब रहता है हमारे पास कैश फ्लोस, अब रहता है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर। कैश फ्लोस और करेक्शन ऑफ एरर स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले लगातार दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट तक टेस्ट हुआ। ऑटम 2023 के अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है, कुछ कह नहीं सकते कि स्प्रिंग 2024 में दोबारा पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते कि एग्जामिनर इस टॉपिक को स्प्रिंग 2024 में स्किप कर दे। रिकमेंडेड हरगिज नहीं होगा कि आप इन टॉपिक को आउटराइटली छोड़ कर जाए, इनको कवर जरूर कर लीजिएगा, इनके रीजनेबल कॉन्सेप्ट, रीजनेबल प्रैक्टिस जरूर कवर कर लीजिएगा।